रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। बेगमगंज नजदीक से निकला उल्का पिंड और सबसे पहले देखा नानू दा बॉस ने और फिर बताया अपने दोस्तों के लिए। उल्का पिंड की घटनाओं ने किया लोगों को रोमांचित। इस मंजर को देखने लोगों की आसमान पर 10 मिनट तक टिकी रही निगाहें। बेगमगंज आकाश में कभी कभी एक ओर तो से दूसरी ओर अत्यंत वेग से आते हुए अथवा पृथ्वी पर गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उन्हें उल्का पिंड और साधारण बोलचाल में इसे लूका भी कहते हैं। उन्हीं उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बचकर पृथ्वी तक पहुंचता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा शनिवार की रात लगभग 8 बजे बेगमगंज में देखा गया। तारा मंडल में उल्का पिंड की दिखाई दी। लोगों की भीड़ बेगमगंज बस स्टैंड पर लोगों ने देखा, हदाईपुर में देखा, रामनगर में देखा, SBI कॉलोनी में ऋषि शर्मा ने देखा और अपने दोस्तों को बताया। आकाश में तारा मंडल से उल्का पिंड की यह घटना नजर आई। लोगों की भीड़ इसे देखने के लिए उत्सुकता दिखाई दी। दीवानगंज के समीप से कर्क रेखा गुजरी है। सीता तलाई की पहाड़ी के ऊपर से ही उल्का पिंड प्रकाश करते हुए एक के पीछे दूसरे तारे दौड़ते हुए दिखाई दिए जाते हैं अक्सर। वैसे तो हर रात में उल्काएं अनगिनत संख्या में देखी जा सकती हैं, लेकिन उनमें से पृथ्वी पर गिरने वाले पिंडों की संख्या काफी अल्प होती है। वैज्ञानिक दृष्टि से इनका महत्व बहुत अधिक है, क्योंकि एक तो ये अति दुर्लभ होते हैं, दूसरे आकाश में विचरते हुए विभिन्न ग्रह इत्यादि के संगठन और संरचना स्ट्रक्चर के ज्ञान को प्रत्यक्ष स्रोत के ही पिंड है तारामंडल। वैज्ञानिक राकेश माहेश्वरी बताते हैं कि इसके अध्ययन से यह भी पता चलता है भूमंडलीय वातावरण में आकाश से आए हुए पदार्थ पर क्या क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस प्रकार ये पिंड ब्रह्मांडीय और भूविज्ञान के बीच संपर्क स्थापित करते हैं। इस उल्का पिंड की घटना के प्रत्यक्षदर्शी भरत सिंह, अंकुर श्रीवास्तव, नीरज महाराज ने देखा और इसे कैद किया भरत सिंह हरेरामा स्टूडियो वालों ने अपने मोबाइल से। धन्यवाद भरत जी आपको, इतनी अच्छी घटना आप हमें दी और हमने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बताते हैं कि तारामंडल में रात के वक्त उल्का पिंड की घटनाएं से लोगों में वाकई रोमांचित कर दिया। रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट। चैत्र नवरात्रि स्पेशल स्टोरी। आज दूसरा दिन है चैत्र नवरात्रि का और मंदिर में भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। मां देवी की आराधना करने के लिए भक्त मंदिरों में पहुंचने लगे हैं। रायसेन से 18 किलोमीटर दूर मां छोले वाली मां के मैं शेरावाली के दरबार में भी भक्तों का लगा है मेला। हजारों की संख्या में पहुंचते हैं भक्त और मां के दर्शन करते हैं। भक्तों की हर मनोकामना होती है पूरी। रायसेन जिला मुख्यालय से 18 किलोमीटर की दूरी पर सागर रोड पर मां छोले वाली मां खंडेरा वाली मां का दरबार सजा हुआ है। पिंडी रूप में मां यहां पर भक्तों को दर्शन देती हैं और दूर दूर से भक्त मां के दर्शन करने यहां पहुंचते हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर में मां से जो भी मांगी जाती हैं मुरादें उनकी मनोकामना पूरी होती है। भक्त यहां आकर जयकारे लगाते हैं और मां उनकी हर मनोकामना पूरी करती हैं। भक्त अपनी आस्था लेकर मां के चरणों में पहुंचते हैं और निसंतान लोग अपनी संतान प्राप्ति के लिए मां के मंदिर में पहुंचकर उल्टे हाथ दीवाल पर लगाते हैं। इसके बाद झोली भरने के बाद सीधे हाथ लगाते हैं और मां के चरणों में अपनी हाजिरी देने पहुंच जाते हैं। जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश और देश के कोने कोने से लोग खंडेरा वाली मां के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। रायसेन से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की रिपोर्ट।